बुधवार को मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई और हैरानी की बात यह है कि पार्टी में शामिल होते ही उनको पोस्टर गर्ल की जगह मिल गई है। भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर पर अपर्णा यादव के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और सांसद संघमित्रा मौर्य को भी शामिल किया गया है। आपको बता दें, बीजेपी ने इस पोस्टर के सहारे एक तीर से तीन निशाने किए हैं, जहां एक तरफ अखिलेश यादव को जवाब देने की कोशिश की है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए स्वामी प्रसाद मौर्य को घेरने की कोशिश की है। अब इस बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य ने एक पोस्ट के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर और पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा है। बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य फेसबुक पर एक पोस्ट करती हैं और अपने दर्द को बयां करने की कोशिश करती हैं। आपको बता दें, बीते दिनों संघमित्रा मौर्य को समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने की सलाह दी गई थी। ये सलाह उन्हें भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने ही दी। इस बारे में संघमित्रा मौर्य कहती हैं, सलाह ना दें कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। संघमित्रा का फेसबुक पोस्ट आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख रहे हैं। वो लिखती हैं, शब्द अच्छा है लेकिन संस्कार हैं किसके अंदर। हफ्ते भर पहले एक बेटी का पिता पार्टी बदलता है तो पुत्री पर वार हो रहा है। आज वही एक बहू अपने चचेरे भाई के साथ एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आती है तो स्वागत। क्या इसको भी वर्ग से जोड़ा जाना चाहिए? बेटी पिछड़े वर्ग की है और बहू अगड़े वर्ग से है। क्या बहन बेटी की भी जाति और धर्म होता है? अगड़ा भाजपा में आता है तो राष्ट्रवादी, वो वोट भाजपा को करेगा या नहीं, इस पे सवाल खड़ा करना तो दूर सोचा भी नहीं जाता, लेकिन पार्टी में रहने वाला राष्ट्रद्रोही उसके वोट पे सवाल खड़े हो रहे, ऐसा क्यों? कृपया मुझे सलाह ना दे कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ। संघमित्रा मौर्य के इस पोस्ट से एक बात तो साफ मालूम पड़ गई, अपर्णा यादव भाजपा में शामिल ज़रूर हो गई हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका तालमेल बिठाना पार्टी के लिए यकीनन आसान नहीं होने वाला है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।